हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। और आपने नेक्स्ट वीडियो में देखा था कि हम बाहर जा रहे थे द्वारकाधीश, तो बस हम लोग अभी ट्रेन में बैठ गए हैं और वहाँ मम्मी बैठी हैं, ये पापा की गोदी में खेल रही है। तो अभी हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये 11 बजे की ट्रेन थी तो हम लोग टाइम से आ भी गए थे और बस 2 बजे तक पहुँच जाती है। तो देखिए बाहर भी काफ़ी अच्छा मौसम भी है अभी, और यहाँ उतनी ठंड तो होता नहीं है, तो सोचा चलो दर्शन करा देते हैं मम्मी पापा को। और हम लोग पहुँच गए हैं अब होटल में, तो ये हम लोग द्वारकाधीश जी के पास ही ले लेते हैं। और कई सारे पता भी किया था बट हम लोग को यही ज़्यादा पसंद आता है, और हम लोग पहले 2 बार से भी यहाँ पर ही रुक रहे हैं, तो ये तो मुझे बहुत पसंद आता है और अच्छा भी लगता है इसमें। तो अभी हो गई है दोपहर, तो हम लोग ने खाना खा लिया क्योंकि खाना लेकर आए थे, और यहाँ वैदेही खेल रही है और बस दोपहर है, 3:30 बज रहे हैं, थोड़ा बैठेंगे रेस्ट करेंगे और फिर शाम को निकलेंगे द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ ये कुछ बोल रही है, व्हाट आर यू डूइंग, तो बस ये भी खेल लेगी, तो इसलिए हम लोग ना ट्रेन से आए हैं, गाड़ी से भी नहीं आए हैं, दूर पड़ता है और बच्चों को ना दिक्कत भी हो जाती है, मम्मी पापा तो सब लोग साथ में थे तो इसलिए ट्रेन में अच्छा भी लगा। और बस ये खेल रही हैं अपना थोड़ा सा, अभी इनको तैयार करेंगे जब तक मैं अपना सामान निकाल के रख दूँगी, या अलमीरा में लगा देती हूँ, इससे प्रॉब्लम नहीं होती। और यहाँ ये पोको पोको बोल रही है, पहले छोटे से ही ये पोको पोको बोलती है, तो बस वही बोल रही थी। तो आपसे मिलते हैं अब मंदिर में। दिस इज अ बेबी कर्ली यार। और उसके पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पर स्वामीनारायण मंदिर, पास में ही है, तो ऑटो से हम लोग बस यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ पर दर्शन करेंगे, काफ़ी अच्छा मंदिर है। तो आप लोग भी फुल बहुत ज़रूर करना अगर मंदिर के दर्शन करना है आपको द्वारकाधीश, और अगर आप इतने दूर नहीं आ पा रहे हैं तो मंदिर में ही दर्शन कर लेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको भी। और देखिए इस तरह से बहुत सारी धर्मशाला बनी हुई है, काफ़ी सारे रूम बने हुए हैं इधर, तो मंदिर चलते हैं, मंदिर भी बहुत सुंदर है, अभी देखना आप नीचे काफ़ी अच्छे से यहाँ पर रंगोली टाइप की बनाई गई है, ये स्वामीनारायण मंदिर द्वारकाधीश। और देखिए कितने सारा कुछ पत्थर ही पत्थर से बना हुआ है, और अंदर देख कर ना आपको इतना भव्य लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा, ये गणेश जी का स्थापना है, तो आप भी दर्शन कर लीजिए।
और अगर आप कभी आते भी है ना तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था हर जगह पे बहुत अच्छी है। काफ़ी अच्छी धर्मशाला मिल जाती है और मंदिर के पास पास में मिल जाती है। खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छे से रहती है। और मैंने यहाँ साड़ी पहनी थी, आज मंदिर आए हैं तो सोचा साड़ी पहन लेते हैं। तो और बस यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर रही थी। और अभी जाना है हमको दूसरा टेम्पल, तो बस वहाँ जाएंगे और आपको भी दर्शन कराते चलेंगे। और यहाँ पर बीच भी काफ़ी अच्छा है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना, शेयर करना अगर पसंद आता हो, अगर आप द्वारकाधीश जी के ये नगरी देखना चाहते हैं। और देखिए अब हम आए हैं दूसरे टेंपल और ये है गायत्री मंदिर। तो बस गायत्री मंदिर में थोड़ा सा दर्शन दिखाएंगे आपको, ज़्यादा अलाउड नहीं है वहाँ पर दिखाना। तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा मंदिर है, इस तरह से काफ़ी पुरानी फ़ोटोज़ लगी हैं इधर पर। और ये माता बैठी हुई है सामने, तो आपको अभी पास से थोड़ा सा दिखा देंगे। देखिए कितना प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर देखने में। और इसके पास में ही ना बहुत मस्त मस्त अभी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ बीच काफ़ी सारे हैं तो वो भी आपको दिखाएंगे। और अगर आप और भी देखना चाहते हैं कुछ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कुछ। वैसे मैं आप सबके साथ सब कुछ शेयर करती रहूँगी और द्वारकाधीश का सब कुछ दिखाऊंगी। यहाँ पर मंत्र लिखा हुआ है पूरा। और द्वारकाधीश में ना जो मेन मंदिर है वहाँ पर वीडियोस अलाउड नहीं, मोबाइल ही अलाउड नहीं है, तो मोबाइल हमको जमा करना होता है। तो थोड़ा सा बाहर से ही दिखाएंगे। बहुत प्यारा मंदिर है। और ये गायत्री मंदिर के बाहर निकलने के बाद ऐसा व्यू है, तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये गायत्री मंदिर से जब निकलते हैं तो इस तरह से समुद्र बीच बना हुआ है। बस अब हम ऑटो से निकल गए हैं। और अगर वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और नेक्स्ट हम मंदिर इस यहाँ पर जाएंगे, यहाँ की कुछ अद्भुत स्टोरी है वो भी आपको सुनाएंगे। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम लोग काफ़ी जगह, अच्छी अच्छी जगह जाने वाले हैं। ये बोट की फ़ोटो है, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो भी ये नागेश्वर हैं, ये शिवलिंग का एक रूप यहाँ भी है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।